पहले तो अगर मैं यहाँ आता नहीं तो मेरा फिजिकल होता नहीं, क्योंकि मेरा वेट भी 85 के दो महीना सर के पास सर के गाइडिंग से प्रॉपर मतलब एक्सरसाइज कराए सर, रनिंग करवाए, तो मेरा वेट भी 13 से 14 kg डाउन हुआ है। और उसके बाद वहाँ जब हम गए, यहाँ आए थे शुरू में तो 5 मिनट का लगभग लग रहा था, लेकिन वहाँ गए हैं तो हमको लग रहा है 3:45-46 में वहाँ मार दिए हैं रनिंग। और मतलब सर जो बोले राहुल की पॉजिटिविटी, सर का पॉजिटिविटी इतना काम किया वहाँ पे कि कहिए मत। और उसके बदौलत हम लोग आज मतलब सब लड़का जितने लड़के थे 208 में 205 लड़का सेलेक्ट हुआ है, यानी 3 अनक्वालिफाइड हुए, हाँ मात्र 3। पॉजिटिव एनर्जी जो है ना वो अदर रिकॉर्डिंग में नहीं मिलेगा, यहाँ पे आने के बाद जो सर पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा देता है। मैं अपना बड़े बड़ाई ना करे बड़े ना बोले बोल रहीमान हीरा कब कहे लाख टका मामू, तो मैं इस लाइन पे चलता हूँ और मेरे बच्चे बताते हैं, मैं नहीं बताता हूँ। और मेरी जो एकेडमी है इसको क्या बोली जाती है, मेरिट लिस्ट की, मेरिट लिस्ट की फैक्ट्री इसीलिए बोली जाती है कि यहाँ पर बच्चे सबसे ज्यादा मेरिट लेके आते हैं। सर अदर स्टेट के सर जो युवा आएंगे या आपका जो ये वीडियो देखेंगे वो आपके पास कैसे विजिट करेंगे? मोबाइल नंबर आपको मैं दे दूंगा, उस मोबाइल को डाल दीजिएगा मोबाइल नंबर को, और हमारा जो चैनल है भोजपुर फिजिकल एकेडमी से वहाँ पे भी मोबाइल नंबर है, उसको देख के भी और आरा रेलवे स्टेशन पे उतर के वो आ सकते हैं जी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लड़का के अपेक्षा जो है लड़कियों का भी अब भागीदारी प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। फिजिकल एकेडमी में जो है हमारे साथ है एक बहन हमारी मौजूद है और उनसे हम जानेंगे कि आप कहाँ से हैं। हम औरंगाबाद जिला से, सर दाऊदनगर से। दाऊदनगर से, तो औरंगाबाद में क्या ऐसा व्यवस्था नहीं था फिजिकल के लिए? नहीं सर, हमको पता नहीं है, पर हम यहाँ जाने यहाँ से मेरे भैया दौड़ करके गए हैं तो ही बताया कि उसी में चलो एडमिशन करवा देते हैं। आपके भैया जो यहाँ दौड़े थे क्या वो सिलेक्टेड अभी में सेलेक्टेड है? नहीं थी, दरोगा में 3 बार छठे तो अभी हुआ है कि नहीं पता है कि किस विभाग में गए हैं भैया। चलिए मतलब सिलेक्टेड है, हाँ, सिलेक्ट बी एस में है। तो यहाँ आपका फीस वगैरह क्या लिया जाता है? सर हम लोग का 4,000 रुपया लिया जाता है, हम लोग मुझे हॉस्टल में रहते हैं। तो भोजन का लिया जाता है या फी लिया जाता है रनिंग का? नहीं भोजन का, रूम का, ये सब का। रूम का, फिजिकल का जो रनिंग का चार्ज हो है वो सब नहीं, अलग से नहीं दिया जाता सर, उसको निःशुल्क सर किए हैं। जैसा कि आपने कैंडिडेट के द्वारा सुना कि 208 विद्यार्थियों में से 204 जो हैं क्वालिफाइड हैं, और हमारे साथ फिजिकल गुरु जी चंदन कुमार जी हमारे साथ मौजूद है, और इनसे जानेंगे कि कौन सा ऐसा वैक्सीनेशन अपने बच्चों के लिए कि जो कि 208 में से 204 क्वालिफाई हो गए। जी न्यूज़ 21 लाइव में आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। न्यूज़ 21 के माध्यम से मैं पूरे हिंदुस्तान के बच्चों से आह्वान करूँगा कि एक बार आके आप देखिए। और मेरे पास सर कोई वैक्सीनेशन नहीं है, मेरे पास जो मैं बेसिक सीखा हूँ आर्मी में, मैं आर्मी से रिटायर हूँ और मैं एनएसजी का पैरा का कोर्स किया हूँ, जिस पैरा कोर्स को आप लोग देखे होंगे जो उसमें क्वालिफाई हूँ और उसमें जॉब किया हूँ, तो वही चीज़ जो मुझे सिखलाई वहाँ बेसिक मुझे सिखलाई। देखिए एकेडमी ओपन करने से नहीं होता है, एकेडमी को चलाना बच्चों के किस तरह से उनको आगे बढ़ाना है, कोई बच्चा नया आया तो उसको किस तरह से दौड़ाना है तो हमें पता है, वही मैं वैक्सीनेशन इनको देता हूँ, कोई अलग से डोज वगैरह मेरे पास नहीं है। ये देखता हूँ कि बच्चा जो नया आया है उसको क्या स्टेप सिखाना है, जो पुराना बच्चा है उसको क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए गाड़ी में ही है तो पहला गियर कब चेंज करना है, दूसरा कब करना है, तीसरा चौथा पांचवा कब चेंज करना है, ये एक अच्छे जो गाड़ी चालक है उसी को पता होता है। रनिंग करने वाले युवाओं को क्या संदेश दीजिएगा? और रनिंग करने वाले युवाओं को यही संदेश देना चाहेंगे कि देखिए अभी बहुत सारी वैकेंसी आ रही है, कंटिन्यू रनिंग कीजिए। आप जैसे मान लीजिए स्टार्टअप रनिंग कर रहे हैं तो स्लो रनिंग कीजिए, और जैसे ही महीना डेढ़ महीना हो जाता है 45 दिन तो आप हल्का हल्का स्टेप खोलिए, स्टार्टिंग में तेज मत दौड़िए। आपके यहाँ फिजिकल एकेडमी में कोई रनिंग का चार्ज वगैरह भी निर्धारित है क्या? जी जी, देखिए मेरे पास जो बाहर से बच्चे आते हैं हॉस्टल में रहते हैं उनको लिए निःशुल्क सेवा है, जो लड़कियां हैं उनके लिए निःशुल्क सेवा है, जो लोकल के बच्चे आते हैं इनको जो मेंटेनेंस होता है इसके नाम पे 200 रुपया वो गुरु दक्षिणा लेता हूँ, कोई चार्ज नहीं है। सर से हम जानेंगे बिहार में बहुत सारी फिजिकल एकेडमियां खुली हुई है, लेकिन जो अभी इनका एकेडमी से रिजल्ट आया है 208 में 204, ये कहीं ना कहीं जो है मतलब इनके बहादुरी का ये फल है। और जहां हम कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन दिया जा रहा है इनको वैक्सीनेशन के रूप में ही हम देखेंगे, जहां 208 में से 204 कैंडिडेट क्वालिफाई हो रहे हैं उसको आप क्या कहिएगा? सर ये बताइए कि आपके यहाँ राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, अदर जगह से भी आपके यहाँ युवा आ रहे हैं, क्यों राजधानी पटना में नहीं जा सकते थे? देखिए सर मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से पूरे देश वालों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि बहुत जगह जैसे दिखावा है और पैसे इतने ऐठे जा रहे हैं, और इनका तो घर राजधानी के बगल में ही पड़ता है, बाढ़ बढ़िया नजदीक, तो आखिरकार ये क्यों यहाँ पे आए, इनका क्या चार्ज होता है और वहाँ क्या चार्ज होता है, ये बच्चे हमसे ज़्यादा बेहतर बताएंगे।
तो जैसा कि आप देख रहे हैं, बताइए भी आप तो राजधानी पटना में थे, वहाँ पर गुरुजी फिजिकल एकेडमी वहाँ की नामी एकेडमी है जो कि गांधी मैदान में चलती है, वहाँ क्या चार्ज लेता था लोग? देखिए हम लोग तो यूट्यूब के माध्यम से गुरुजी के पास आए हैं। अच्छा। और कहीं न कहीं कुछ ना प्रॉब्लम है, इतना एकेडमी देखा हूँ, कहीं खाना का प्रॉब्लम है, कहीं मतलब फिजिकल में कुछ प्रॉब्लम है, कहीं फीस के लेके प्रॉब्लम है, और ये एक ऐसा एकेडमी है जहाँ पैसा भी कम लिया जा रहा, प्लस खाना भी बहुत अच्छा दिया जा रहा और फिजिकल वर्क भी बहुत अच्छा किया जा रहा है। इसके पहले भी कोई एकेडमी में आप ये थे ज्वाइन? हम और एक मेरा दोस्त है रंजन। अच्छा, अच्छा। दो दिन रहे थे वहाँ, बट वहाँ खाना सही नहीं मिला, तो भोजन सही नहीं मिलने का कारण है। ट्रेनिंग चार्ज क्या है वहाँ का? ट्रेनिंग चार्ज क्या यहाँ का? तो उनको फिर ट्रेनिंग चार्ज लिया नहीं जा रहा, सिर्फ खाने के लिए लिया जा रहा 4,000 रुपया, मतलब 4,500 कर दिया गया रहने वक्त, और ट्रेनिंग चार्ज नहीं लिया जा रहा, और वहाँ पर 2,500 रुपया लिया जाता था अलग से, प्लस खाने के लिए अलग से 5,000 रुपया। छपरा से आए हुए हैं क्या? छपरा में कोई फिजिकल एकेडमी नहीं है? छपरा में फिजिकल एकेडमी है। और वैसे छपरा में तो हम विजिट नहीं किए थे, क्योंकि नाम भी हम अच्छा खासा नहीं सुने थे कि छपरा में कोई अच्छा ऐसा फिजिकल एकेडमी है जिसका रिजल्ट बिहार पुलिस या फिर मम्मी से जो भी वैकेंसी वगैरह है उसमें आए, नहीं सुने थे। मेरे ही एक दोस्त ने मुझे बताया कि सर ट्रायल देने के लिए बच्चे लोगों को ले जाते थे गर्दनी बाग, वहाँ पर वो भी गया था ट्रायल देने, तो वो देखा इनका मैक्सिमम बच्चा सर का 5:20 के अंदर का धावक था। अच्छा। मतलब अच्छा रिस्पांस देखा वो, तो मुझे बताया। और इससे पहले मैं गुरुजी फिजिकल एकेडमी में गया था पता करने, तो वहाँ पे फीस वगैरह चार्ज कुछ ज़्यादा था, और पता चला कि दौड़ वहाँ पे उस तरह का नहीं है। अब मान लीजिए जहाँ 500 बच्चा दौड़ रहा है उसमें से 50 बच्चा अगर 5:20 दौड़ ही रहा है तो कोई खास बड़ी बात नहीं है, लेकिन जहाँ 200 बच्चा दौड़ रहा है उसमें से अगर 50 बच्चा 5:20 दौड़ रहा है तो वो ज़्यादा बेहतर है। चल रहा था जिसमें 208 बच्चे रेगुलर बेस पे थे, जिसमें से चार बच्चे डिस्क्वालीफाई हुए और 204 बच्चे क्वालीफाई होके आए हैं। अब हमारे पास राजस्थान, कोलकाता, मध्य प्रदेश, झारखंड, यूपी से भी बच्चे और लड़के और लड़कियां आए थे, हमारे बिहार के भी हर डिस्ट्रिक्ट से बच्चे आए थे, और वो मेरिट लिस्ट बना के अभी बहुत सारी मेरिट भी आ रही है, उसमें भी उनका नाम बिल्कुल 100% होने वाला है। तो आप भी अगर चाहते हैं कि मेरिट लिस्ट की फैक्ट्री में रह के अपना मेरिट लिस्ट में नाम शो करना, तो आइए मेरिट लिस्ट की फैक्ट्री में, आपका स्वागत है। देखिए बच्चे, हर बच्चा दौड़ता है, हर बच्चा पढ़ता है, जब तक लेकिन मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है तब तक वो हमेशा बेचारा दुखी रहता है। तो अगर मेरिट लिस्ट में नाम दिखाना अपना, तो आइए आपका मेरिट लिस्ट की फैक्ट्री आपका स्वागत करती है। अभी हम हमारे ग्रुप डी के जितने भी बच्चे, बहुत सारे स्टेट से भी आए थे, अदर डिस्ट्रिक्ट से भी आए थे, लेकिन जो भी बच्चे आए हैं, मैं एक गुरु के लिए इससे बड़ा कोई दक्षिणा नहीं होता है जब बच्चे उसके क्वालिफाई होते हैं। हमारे लिए ये सबसे बड़ा गुरु दक्षिणा है कि हमारे बच्चे हमसे मिलने के लिए यहाँ तक पहुँचे हैं, इतने ही पहुँचे लेकिन पहुँचे हैं। हम इन बच्चों का आपके जोरदार तालियों से स्वागत भी करेंगे और इनको सम्मानित भी करेंगे हमारे एकेडमी की तरफ से।